हाय एवरीवन आज का जो टॉपिक है वो है ऑटिज़म हम ऑटिज़म पढ़ेंगे इसको ए भी बोलते हैं ए क्या होता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है तो आप इस दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं गए इसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है सो so, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपी और सी एग्ज़ाम के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट में इससे क्वेश्चन आते हैं सो वोटिज क्या होता है इसको डिस्क्राइब किया था इन नाइनटीन फोर्टी थ्री एज अ डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन हुड प्रॉब्लम रिलेटिंग टू अर्दर्स एंड हाई सेंसिटिविटी टू चेंज इन देयर एनवॉर्मेंट बेसिकली ये जो डिसऑर्डर था ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर था जिसमें आपका ब्रेन के जो नर्व सेल्स होते हैं फंक्शनिंग अच्छी नहीं होती वो अच्छे से अपना कार्य नहीं करते हैं जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है और चिल्ड्रेन में होता है ये चाइल्ड एज में होता है ज़्यादातर जो बाल्यावस्था होता है उसमें ये डिसऑर्डर होता है इसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को दूसरों के साथ जुड़ने में मतलब दूसरों के साथ रिलेट करने में मतलब दूसरों के साथ रिलेशनस बनाने में एंड उनकी जो इन्वामेंट के साथ एसोसिएशन होता है वो नहीं हो पाता क्योंकि बिकॉज हम जो है एक ह्यूमन जो होता है एक सोशल ऑर्गेनिज्म होता है और लोगों के साथ इंट्रैक्शन करता है बचपन से ही लोगों के साथ जुड़ता है तो जब ये चीज़ें वो नहीं कर पाता है तो इस टाइप का डिसऑर्डर होता है एंड दैट इज़ डिसऑर्डर इसमें बेसिकली कैरेक्टराइज बाय द एबनॉर्मिलिटीज़ ऑफ सोशल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेस्ट इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चा होता है या हो हम कह सकते हैं इसमें जो ये इस इस, इस डिसऑर्डर से सफ़र करता है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ जो होती है वो होती है सोशल डेवलपमेंट यानी सोशलाइजिंग नहीं हो पाता वो लोगों के साथ जुड़ नहीं पाता कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है जब वो लोगों के साथ जुड़ेगा नहीं तो वो कम्युनिकेशन भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाता एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिहेवियर मतलब वो बहुत रिस्ट्रिक्शन मतलब कोई भी ऐसा जो बिहेवियर है वो हर बिहेवियर को नहीं करता वो पर्टिकुलर उसका जो बिहेवियर होता है रिपीटेटिव बिहेवियर मतलब एक ही बिहेवियर को वो ज़्यादातर फॉलो करता है और जो अपना इंटरेस्ट होता है मान लीजिए वो किसी चीज़ में अपने इंटरेस्ट को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता एंड फ्रेंडशिप भी बहुत कम बनाते या बनाते भी हैं तो फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं चलती मतलब ये क्योंकि ये आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं और लोगों के साथ इनका जो बिहेवियर होता है वो नहीं हो पाता इसलिए क्या होता है ये जो डिसऑर्डर होता है इसमें क्या होता है आपका जो बिहेवियर होता है या उस पर्सन का जो बिहेवियर है वो बच्चे का बिहेवियर क्या होता है वो सोशल इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन से दूर हो जाता है मतलब लोगों के साथ जुड़ ना, और जो लोगों के साथ बात करने में जो हेजिटेशन होती है लोगों के साथ वो रिस्पॉन्स नहीं देता जल्दी और इस तरीके का डिसऑर्डर होता है जो बच्चों में होता है ज़्यादातर तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जो एबनॉर्मिलिटी होती है जिसमें बच्चा लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है स्लो मतलब डिले uh, रिस्पॉन्स देता है रुक के रिस्पॉन्स देता है और एक रिपीटेटिव बिहेवियर को फॉलो करता है जिसमें सोशल डेवलपमेंट नहीं होता इस तरीके का कौन सा डिसऑर्डर होगा तो आप ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लगा सकते हैं तो बेसिकली ये जैसे कि मैंने बताया ये बच्चों में चाइल्डहुड एज में होता है एंड जो ऑटिज्म होता है इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर दैट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड और यंग पर्सन एंड देयर फैम आइसोलेशन में रहता है वो अकेले रहना पसंद करता है तो इसका डायग्नोसिस कैसे करें यानी इसका उपचार कैसे करना होता है तो डायग्नोसिस के लिए क्या करना होता है कि जो टीचर्स फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टीचर्स बच्चे को स्कूल में टीचर्स और फैमिली क्या करते हैं इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करके और पता चल जाएगा कि उसको ये डिसऑर्डर है क्योंकि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं होगा और रिस्पॉन्स नहीं देगा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा तब ये डिसऑर्डर डायग्नोसिस हो जाए इसका डायग्नोसिस किया जाएगा यानी पता लगाया जाएगा देन इसका कोई ट्रीटमेंट किया जाएगा मतलब उसको गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से उसको ठीक किया जाए पर्सन लोगों के साथ इंटरेक्ट हो ठीक है तो इस तरीके का डिसऑर्डर होता है जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू